हेलो दोस्तों, टुडे स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक पर बात करने वाले हैं जो कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है और इस स्टॉक में हमें काफ़ी शानदार तरीके से हमें रैली देखने को मिल रहा है। आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो इस स्टॉक में रफली हमें यहाँ पर 10% का हमें जंप देखने को मिला है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि स्टॉक है कौन सा। दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। दोस्तों मैं डेली बेसिस पर कुछ ऐसे स्टॉक लेके आता हूँ जो कि आप लोग को शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों में अच्छा खासा मुनाफा मिल सके। तो दोस्तों हम आप लोग से बात कर रहे हैं फेयर केम ऑर्गेनिक लिमिटेड की रिगार्डिंग। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें इस स्टॉक में यहाँ पे जबरदस्त तरीके से 10% का हमें यहाँ पे रैली देखने को मिल रहा है जो कि बहुत स्ट्रांग है। हालांकि बात करें पिछले 6 मंथ की तो पिछले 6 मंथ में इस स्टॉक में हमें लगभग 250% का मुनाफा हमें देखने को मिल रहा है जो कि अपने आप में जैकपॉट से भी अधिक इसने मुनाफा दिया है जो कि काफ़ी स्ट्रांग है। हालांकि बात करें सबसे अधिक दिनों की तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे अधिक दिनों में भी यहाँ पे लगभग 227% का हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें तो स्टॉक हमें पिछले साल यहाँ पे दिसंबर 20 में हमें यहाँ पे लिस्टेड होते हुए देखने को मिल रहा है। उस समय इसका प्राइस ओनली 650 रुपये था और 650 रुपये के स्टॉक 1 साल के अंदर में आप लोग देख सकते हो 2130 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी के अबाउट सेक्शन में हमने जाकर देखा जो कि इसका विजन और मिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से इस स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रैली देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पे आज की ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में कितना परसेंट हमें यहाँ पे खरीदारी होते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 41% का डिलीवरी शानदार। दोस्तों आप लोग देख सकते हो 10% का आज के दिन हाई था स्टॉक, 10% का रैली था, फिर भी 41% की खरीदारी होते हुए देखने को मिल रहा है। आप लोग समझ सकते हो कि इसका प्राइस हमें कितना आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इसका 52 वीक लो एंड हाई का, स्टॉक ओनली 600 के निचले स्तर पर ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिला था और वहाँ से स्टॉक की बात करें तो लगभग आज ही के दिन 2131 का हाई बनाया है जो कि बहुत स्ट्रांग है। हालांकि बात करें इसका फेस वैल्यू का तो यहाँ पे रुपीज़ हमें प्लस देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करेंगे इसका क्वार्टर के रिजल्ट का तो यहाँ पे देख सकते हो जून क्वार्टर में कंपनी ने बहुत स्ट्रांग तरीके से दोस्तों यहाँ पे नेट प्रॉफिट शो किया है जिसके वजह से आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हमें बहुत स्ट्रांग तरीके से हमें रैली देखने को मिला और डेफिनेटली फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 2800 के आसपास में जाते हुए देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग चाहो तो फोकस बनाकर रख सकते हो। डेफिनेटली इसका प्राइस हमें एक बार अगर 2800 रुपये क्रॉस कर गया ना तो इसका प्राइस हमें सीधे 3000+ में देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करेंगे इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग कितना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 74% से एबव का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है प्रमोटर का जो कि बहुत स्ट्रांग है। हालांकि बात करेंगे क्या प्रमोटर के सिर्फ कोई प्लेस भी है तो यहाँ पे देख सकते हो कोई प्रमोटर का सिर्फ प्लेस हमें नहीं देखने को मिल रहा है। हमें स्टॉक काफ़ी शानदार लग रहा है। हालांकि स्मॉल कैप से बिलोंग करता है स्टॉक लेकिन जिस तरीके से हमें इसमें रैली देखने को मिल रहा है और इसका विजन है दोस्तों डेफिनेटली अगले 2 से 3 साल में इसका प्राइस हमें काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि बात करें रिजर्व एंड सरप्लस का तो आप देख सकते हो ओनली 2021 का हमें डेटा देखने को मिल रहा है। पिछले साल का कोई डेटा हमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रेयर केस में हमें डेटा पिछले साल का हमें देखने को मिल रहा है लेकिन इस साल का जो हमें डेटा देखने को मिल रहा है वाकई में काफ़ी शानदार है। और यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस की बात है तो 155 करोड़ से एबव का हमें यहाँ पे फिगर देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो कि बात करेंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का तो यहाँ पे 26 करोड़ के आसपास का हमें फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें दोस्तों शॉर्ट टर्म ब्रोइंग का तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ब्रोइंग देख सकते हो रफली यहाँ पे 22 करोड़ का हमें फिगर देखने को मिल रहा है जो कि हालांकि बात करें यहाँ पे फिक्स एसेट का तो फिक्स एसेट काफ़ी शानदार है कंपनी के पास और 155 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का तो यहाँ पे ओनली हमें 0.38 करोड़ का फिगर देखने को मिल रहा है जो कि लगभग ठीक ठाक है। दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ओनली 2775 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें सेक्टर के पी रेशियो का तो यहाँ पे 46.21 देखने को मिल रहा है जो कि सेक्टर के पी रेशियो से इस स्टॉक का पी रेशियो काफ़ी अभी निचले स्तर पर हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करेंगे इसका यहाँ पे रेवेन्यू एंड सेल्स का तो यहाँ पे देख सकते हो
यहाँ पर रेवेन्यू के 4% हमें 1 साल का देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिल्कुल न्यू कंपनी है और यहाँ पर रेवेन्यू भी काफ़ी शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। बात करेंगे नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट भी आप लोग देख सकते हो कि 42 करोड़ का हमें फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें सेल्स का, तो आप लोग देख सकते हो जून क्वार्टर में कंपनी ने कितना सेल्स दिखाया है, जो कि 139 करोड़ का हमें सेल्स देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग इस क्वार्टर में हमें सेल्स में थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें यहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे जंप दिखाई कंपनी ने, क्योंकि एक्सपेंस यहाँ पे थोड़ा सा कम बुक किया है पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग, जिसके वजह से यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें इस स्टॉक में, यहाँ पे एफआई की होल्डिंग, डीआई की होल्डिंग, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे प्रमोटर का, यहाँ पे 74% का होल्डिंग है, जो कि इस स्टॉक में एफआई और डीआई की होल्डिंग कोई खास हमें नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करेंगे पब्लिक का होल्डिंग की, तो यहाँ पे 25% का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर पैटर्न की बात है तो ये भी हमें काफ़ी शानदार है, लेकिन जब तक इस स्टॉक में हमें एफआई और डीआई की होल्डिंग हमें नहीं देखने को मिलेगा, तब तक हमें उतना अच्छा इसका शेयर होल्डर पैटर्न हमें नहीं लगेगा दोस्तों। हालांकि बात करें तो प्रमोटर का होल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, 75% का होल्डिंग बहुत होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर इस स्टॉक के प्राइस में थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिलता है, तो इसका प्राइस हमें कितना नीचे आ सकता है। दोस्तों बात करिए, आप लोग देख सकते हो कि ऑल टाइम का चार्ट है इसका, इतना स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिले, कभी हमें इस स्टॉक में अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिला ही नहीं। थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था और यहाँ पर भी, लेकिन हमें अल्टीमेटली इसका प्राइस हमें काफ़ी आगे जाते हुए देखने मिला। और यहाँ से जिस तरीके से ग्राफ बनाया है ना, सीधे इसका प्राइस मुझे लगता है कि 2800 के आसपास हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, फ्यूचर में इस स्टॉक में हमें और हमें ज़्यादा हमें रैली देखने को मिल सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।